जो अगर इस वीडियो पे 400 लाइक कंप्लीट होते हैं ना, मैं अपनी जिंदगी रिस्क पे लेके है ना स्काई डाइविंग करूंगा। मैं पहुंच चुका हूँ और तुम ट्रैक देख के समझ जाओ इस इलाके में है ये एयरपोर्ट। मेरे को बहुत डर लग रहा है, बहुत शर्म भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, पर कोई नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। बट जो जो शर्तें दी हैं उस पे गौर करना एंड बिल्कुल करवा देना बस। गाइज, नया नया शहर, नए नए रोड, पुरानी पुरानी गाड़ियां, नई नई शाम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है एक और नए ब्लॉग के अंदर। और जैसा कि भाई तुम लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैं आया हूँ भाई फिलहाल नारनूल शहर के अंदर एंड एक यहाँ की एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। भाई बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर करी होगी, भाई तुम लोगों को में से भी आधों को पता होगी, आधों को नहीं पता होगी, आई गेस नहीं पता होगी, क्योंकि बड़ी छुपी हुई जगह पे है जिस जगह मैं जा रहा हूँ। तो व्लॉग में बने रहो, देखो भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा, बाकी तुम लोगों को पता हो गया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, टाइटल वाइटल पढ़ के थंबनेल वगैरह देख के तुम्हें पता होगा, पर फिर भी कोई नहीं, तुम देखो, तुम्हें दिखाता हूँ आज लाइफ का एक बहुत बड़ा एडवेंचर टाइप चीज है जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो देखो भाई, कंटिन्यू करो व्लॉग को, मजे लो घर बैठ के तुम लोग, मैं रिस्क लेता हूँ। भाई यार ये रोड देख रहे हो भाई, बहुत प्यारे रोड है भाई, इस पे तुम 150-200 भगा लो गाड़ी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट भगाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भगानी भाई, रिस्क विस्क नहीं लेना लाइफ के साथ, क्योंकि गाड़ी गुड्डी तो भाई और आ जाएगी, जिंदगी और नहीं आती जल्दी से, गाड़ी गुड्डी तो भाई कितनी खरीद लो अगर जिंदगी रही तो, जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या गाड़ी लेके करोगा। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ और तुम ट्रैक देख के समझ जाओ कहाँ पहुंच चुका हूँ, इस इलाके में है ये एयरपोर्ट, इस इलाके में कोई बता सकता है यहाँ एयरपोर्ट है, पूरा प्रॉपर जंगल है और यहाँ एयरपोर्ट है। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, एक्सप्लोर करके आते हैं पूरा। मेरे को बहुत डर लग रहा है, बहुत शर्म भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, पर कोई नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। तो भाई फिलहाल भाई आ चुके हम ट्रैक के पास और यहाँ खड़े हैं भाई प्लेन वगैरह सारी चीज़, ये सब पायलट्स लोगों की गाड़ी खड़ी है और जो यहाँ पे काम वगैरह करते हैं उनकी। तुम्हें दिखाता हूँ भाई ट्रैक क्या है, प्लेन क्या है, सारी चीज़ यहीं से दिखा देता हूँ, ज़्यादा अंदर अभी नहीं जाऊँगा, एक बार बाहर मेरे को एंट्री वगैरह करवानी है जो कि मैं नहीं करवा के आया। ये है भाई कुछ, ये असेंबली पॉइंट होता है पायलट्स लोगों का, यहाँ सारे पायलट बैठते हैं, असेंबली वगैरह रहती है, और ये है प्लेन जिसमें आपको बिठाया जाएगा और उड़ा दिया जाएगा। ये इनका वो होता है गैरेज, लगा लो गैरेज बोलते हैं ना, आई डोंट नो भाई क्या बोलते हैं। इसके दूसरी साइड स्काई डाइविंग वाला है और ये पूरा ट्रैक है, ये वाला पूरा ट्रैक है, यहाँ से उड़ेगा प्लेन सीधा हवा में, फिर तुम्हें फेंक दिया जाएगा, पैराशूट लेके आओ, उड़ो, डरो, और वीडियो अपने भाई गोप्रो देते हैं लोग, गोप्रो से बनानी होती है। प्राइसिंग वगैरह मैं तुमको सारी चीज़ अभी बताऊँगा इसी ब्लॉग के अंदर, तो ब्लॉग को देखो, कंटिन्यू करो, सब चीज़ बताऊँगा, सब चीज़ करेंगे। भाई मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के अंदर एंड फिलहाल भाई तुमको सारा सीन प्रॉपरली समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है। भाई स्काई डाइविंग खुलेगी अगस्त की फर्स्ट वीक में, अभी बंद पड़ी है, और अगर तुम मेरे भाई चाहते हो कि मैं स्काई डाइविंग करूँ, मैं विपुल जैन स्काई डाइविंग करूँ जिसको हाइट से सबसे ज्यादा डर लगता है, तुम चाहते हो कि मैं करूँ स्काई डाइविंग तो वो भी कर देंगे, बट एक शर्त मेरी है, जो अगर इस वीडियो पे 400 लाइक कंप्लीट होते हैं ना, मैं अपनी जिंदगी रिस्क पे लेके है ना स्काई डाइविंग करूंगा। पैसे भी लग रहे हैं, देखो मरने का भी पूरा चांसेस है, कोई ऐसी चीज नहीं है, किस्मत के ऊपर है मरना लिखना, तो बाकी वो चीज देखते हैं। अगर इस वीडियो पे 400 लाइक कंप्लीट होते हैं तो तुम्हारा भाई जाएगा स्काई डाइविंग करने। सेकंड चीज, अगर तुम लोगों को मेरे साथ स्काई डाइविंग करनी है तो इंस्टाग्राम नीचे मेंशन है, डीएम कर दो भाई, अगस्त की फर्स्ट वीक में प्लान बनाते हैं, सारे भाई चलते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हो गए, चाहे भाई यार जो मेरे को जानते हैं मेरे साथ बैठते हैं, उन सबके लिए है भाई ये बात, तुम चाहते हो मेरे साथ स्काई डाइविंग करने और इच्छुक हो भाई स्काई डाइविंग करने के तो ही आना भाई, ऐसे कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई विपुल स्काई डाइविंग करने जा रहा है तो हम भी जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिस्टम भाई, तुम इच्छुक हो तो आना, मेरे को डीएम करना, सारे भाई प्लान बनाते हैं फर्स्ट वीक में अगस्त की स्काई डाइविंग करने चलेंगे। एंड भाई प्राइसिंग की बात बता देता हूँ, जब तक पिछली बार जो ये ओपन था, अभी तो बंद चल रहा है, अगस्त में खुलेगा, जब पिछली बार ओपन था तो इसके प्राइसिंग थे 33,000 विद वीडियो, अगर वीडियो नहीं बनवाते हो तो प्राइसिंग कम हो जाएगी, बट वीडियो बनवाना जरूरी है क्योंकि लाइफ का भाई एक ही एक्सपीरियंस मिलता है, तो मैं तो कहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो सब लोगों के साथ, वीडियो वगैरह बनाओ, अपनी मेमोरीज रिकॉर्ड करो, ये चीज रहती है। सेकेंडली भाई मैं तुम लोग, अगर तुम लोग मेरे साथ स्काई डाइविंग करने आते हो तो भाई मैं कम करवा दूंगा तुम्हारे, टेंशन नहीं उस चीज की, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राइस है 33,000 जो भी मतलब उस टाइम का प्राइस रहेगा, मैं भाई तुम्हारे कम करवा दूंगा, बस मेरे साथ तुमने आना है स्काई डाइविंग करने,
400 लाइक का एम कंप्लीट करवाना है और मन बनता है तो अगस्त में आना है। दो चीज है तुम लोगों के लिए, अब तुम्हारी इच्छा है, जैसा करोगे जैसा कहोगे वैसे हम कर देंगे। नॉट अ बिग डील फॉर यू ऑल गाइस, बिकॉज ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट। ठीक है, फिलहाल यार कुछ खाने जा रहा हूँ यार, भूख लग रही है। ओल्ड राव के बाहर आ गया, यहीं पे बाहर ही था ओल्ड राव। स्काई डाइविंग तुम्हें बताई कैसे जंगलों के अंदर है, बट जो जो शर्तें दी हैं उस पर गौर करना एंड बिल्कुल करवा देना बस। मौसम देख लो भाई कितना मस्त, कैंडा मौसम हो रहा है ना, पीछे देखो बादल कैंट एकदम। और भाई मेरे दोस्त तुजार बजाज से मिलो भाई, फिलहाल भाई जा रहे हैं गुड़गांव, अभी जस्ट आया था अपने घर, फिर भाई का फोन आ गया, थोड़ा बहुत काम था तो मैंने कहा भाई चलो गुड़गांव चलो, और भाई देखते हैं क्या चलेगा। भाई आवाज बंद कर दो, वो हो जाएगी कॉपीराइट, कॉपीराइट का ही झंझट सबसे ज्यादा है यूट्यूब पे, नहीं तो इंस्टाग्राम के होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इंस्टाग्राम पे तो कुछ भी डाल दो, हाँ इंस्टाग्राम पे सिस्टम ही सिस्टम डलेगा भाई, सिस्टम वाली बच्ची इस पे आते हैं भाई, आधार उठा रखा उन्होंने बिग बॉस एलिस ने तो भाई कदम से। अभी उसी की बात चल रही थी गाड़ी में बैठे थे जब, और मैं तो भाई देख ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, मतलब अब इंटरेस्ट आ रहा है देखने में बिग बॉस, नहीं तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करा था। जब तक फुकरा इंसान था, पुनी सुपरस्टार था, मैंने स्टार्ट ही नहीं करा जब एलविस घुसा, जब से मैंने लाइव देखना स्टार्ट करा, वो भी बस थोड़ा बहुत जब टाइम मिल जाता है। फुकरा इंसान कौन सा सपोर्ट कर रहा है उसको भाई, वो तो समझ में नहीं आ रहा दोगलापन क्या चल रहा है। बाकी एलविस जब बाहर निकल के आएगा 3-4 दिन बाद उससे मिल के आएंगे भाई, अगर जीत के आता है भाई, नहीं भी जीत के आता तो भी मिल के आएंगे, केक वेक कटवा के आएंगे भाई का, विन सेलिब्रेशन करके आएंगे जब आएगा। बाकी अभी चलते हैं गुड़गांव, मौसम हो रहा है एकदम कच सेक्सी प्यारा, अपना मस्त रोड भाई। गुड़गांव में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और मैं वहाँ से थकार के घर आया था वो स्काई डाइविंग वाले एरिया से, तो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। फिलहाल मैं भाई जा रहा हूँ जिम, अपना वर्कआउट वर्कआउट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, वैसे तो 8 बज रहे हैं घड़ी में, पर वर्कआउट वगैरह कर लेता हूँ और जिम चलते हैं अपना, मस्त वर्कआउट करेंगे। इस ब्लॉग को कर देना लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब, सारी चीज़ कर देना इस ब्लॉग पर, और मिलता हूँ आपको कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। 400 लाइक का एम बोलिए तो 400 लाइक भाई करवा देना, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं स्काई डाइविंग करूँ, बाकी भी तुम लोग यार चाहते ही होंगे कि मैं स्काई डाइविंग करूँ, और अगर तुम लोग मेरे साथ करना चाहते हो तो भाई DM कर देना, चलते हैं फर्स्ट वीक में, मजे करेंगे सारे भाई इकट्ठे, स्काई डाइविंग करेंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे बढ़िया। अपना क्या है, हम तो बंदे ही हैं मोड़ के, जहां मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल लुटाएंगे।